आएगा। तो आज हमारा बेसिकली क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और हमें बहुत डीप में नहीं जाना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये सेमेस्टर में बीटेक वाले जो होंगे वो जान रहे होंगे, उनके सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है, पेपर एक पूरा होता है। ठीक है, तो हमें उतना डीप में नहीं पढ़ना है कि हमें सब कुछ राउटिंग टेबल और उसके आईपी एड्रेसेस के, बस ऊपर ऊपर नॉलेज रखना है ताकि कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आए तो वो हम देख लिया है, छोड़े नहीं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली मुझे कोई ये बताए कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। मैंने जैसे आपको डाटा कम्युनिकेशन पढ़ाया तो वहाँ पे जरूर बताया होगा, तो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, इसके बारे में मुझे कोई बताएगा। कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, क्योंकि डेफिनेशन ही आपसे पूछेगा इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या दोगे। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जैसे मैंने बताया था कि हमें कम्युनिकेशन क्या जरूरत पड़ती है। मान लो किसी भी दो लोगों को बात करना है, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन बात करना है, तो ये कोई भी मैसेज इसको भेजेंगे और इस मैसेज को भेजने का ये मीडियम है। मैंने मीडियम के बारे में जिक्र किया था, वायरलेस हो सकता है, वायर्ड मीडियम हो सकता है, गाइडेड और अनगाइडेड वाला बात किया था। अब उसमें आपका ये यहाँ पर जो है आपका नेटवर्क का रोल आता है। अभी आप पास पास है, आस पास के रूम में, जैसे कंप्यूटर से प्रिंटर पे कोई मैसेज भेजना है तो वायर्ड नेटवर्क से कर लेते हो। जब हम चीज़ें किस पे काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, इन द सेंस इंटरनेट से कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली हमारा क्या हो जाता है कि एक मीडियम में कनेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उस कनेक्शन के माध्यम से हमारा क्या होता है, किसी भी दो यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क क्या है आपका, सिंपल सा ये है कि किसी भी बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए जिस रूट की ज़रूरत होती है, मान लो इनके कम्युनिकेशन कराने के लिए जो भी रूट, जो भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर डेट यूज़ कॉमन प्रोटोकॉल। चलिए, कॉमन प्रोटोकॉल तो होगा ही होगा। हेमंत जी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो जनरल से भाषा में, साधारण भाषा में, कि भैया कंप्यूटर नेटवर्क ये होता है जिसके अंतर्गत हम अगर किसी भी डिवाइस को अगर क्या करना है, कम्युनिकेट कराना है, तो उसके जो रूट हैं वो कौन से हैं, वे सब ये कहाँ डिसाइड होता है, यहाँ पर डिसाइड होता है। नेटवर्क किस माध्यम से हम कराना है, जो मीडियम आपका आता है वो क्या है, एक तरह से वही आपका नेटवर्क है, उसी मीडियम में ही आपका नेटवर्क क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो इस मीडियम में जो नेटवर्क काम करता है उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जैसे एक मशीन ये है, मान लो एक मशीन ए है और एक मशीन ये बी है। ठीक है, ये मशीन ए है और ये मशीन बी है, एम ए एम बी है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर। ये सेंडर मान लो कोई मैसेज भेजता है और रिसीवर को रिसीव होता है, तो क्या यही कम्युनिकेशन है, ये जो जिसके माध्यम से गया नेटवर्क है, क्या यही कम्युनिकेशन कहलाएगा। ये जो आपने बोला कि एक सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, जैसे एक सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं, मान लो मैंने यहाँ से किसी तेलुगु पर्सन को फ़ोन किया और वो तेलुगु वाला बंदा मुझे से तेलुगु में बात कर रहा है, मुझे तेलुगु नहीं आती है। ठीक है, तो अब वो तेलुगु में सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, मुझे पता तो है उधर से कोई मैसेज, जैसे यहाँ से सेंडर ने मैसेज सेंड किया, इसके पास पहुँच गया, रिसीव भी कर लिया। ठीक है, मेनली ये है कि मेरे को उसकी वॉइस तो आ रही, मैं उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, या तो मेरे पास कोई तेलुगु वाला बंदा हो जो उसके भाषा को इंटरप्रेट करे, तब मैं उसके बातों को समझ पाऊंगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, जब तक वो नेटवर्क स्टेबलाइज ना हो जाए जिसमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, कि सेंडर ने सेंडर मैसेज तो भेजा रिसीवर को, रिसीवर को मैसेज प्राप्त हुआ, क्या वो रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो उसके लिए ही क्या होता है, आपको मैंने बताया था प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ रूल होता है। ठीक है, कोई कहा था ये डेफिनेशन ऐसा नहीं होता है, अगर क्लास में वो मौजूद हैं तो बताइए, कि नहीं होता है तो क्या होता है।
पूछेंगे पूछेंगे शुभम जी, पूछेंगे जरूर पूछेंगे, अभी पढ़ लो, जब क्वेश्चन सेशन कराएंगे तो जरूर पूछेंगे। तो ये क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल होता है। इन दोनों मशीन के पास अपने प्रोटोकॉल होंगे और इसी प्रोटोकॉल के क्या होगा, ये प्रोटोकॉल के मदद से उस सेंड हुए मैसेज को रिसीवर क्या करता है, समझ पाता है। जैसे मैंने कहा, अगर मेरे पास कोई तेलुगु का इंटरप्रेटर होता तो मुझे बताता कि भैया वो तेलुगु में आपको ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है, नहीं तो वो गाली भी बकेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो यही प्रोटोकॉल जो है क्या करता है, इन दोनों को अगर अलग अलग नेटवर्क में ये डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं और मैसेज को भेज रहे हैं, तो सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, क्या वही मैसेज है, उसके लिए ये आपका क्या होता है, इनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन कराने के लिए दोनों मशीनें में हमारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल काम करती हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में, ठीक है। तो इस प्रॉपर कम्युनिकेशन को कराने के लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं, उसके भी हाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसका माध्यम क्या क्या होता है। जैसे एक तो हमारा होता है पीयर टू पीयर मॉडल, ठीक है, पीयर टू पीयर मॉडल होता है, और दूसरा होता है क्लाइंट और सर्वर मॉडल होता है, क्लाइंट और सर्वर मॉडल होता है, इस पे हम बात करते हैं। तो पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, इसमें आपके जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे मान लो कोई भी डिवाइसेस है, मान लो मेरा एक सिस्टम ये है ए है, एक सिस्टम आपका यहां पर बी है, एक सिस्टम आपका ये यहां पर बी है, एक सिस्टम यहां पर है, तो ये सब आपस में वायरली कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कोई डेडिकेटेड चीज नहीं होगा जो इनको कनेक्ट हो करेगा, ये सब अपने आप में ऐसे कनेक्ट होंगे। इसी को क्या कहा जाता है, पीयर टू पीयर मॉडल कहा जाता है कम्युनिकेशन। पी टू पी मॉडल जो होता है यही होता है कि यहां पर सभी डिवाइसेस इंडिविजुअली एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इसमें सभी को क्या होता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि भैया अगर इसमें किसी को कोई डेटा का बैकअप चाहिए, अगर कोई फेल हो गया तो उसका, इस मान लो इससे कोई कम्युनिकेशन हुआ है और इसका बैकअप चाहिए, अगर ये सिस्टम फेल हो गया तो इसे बैकअप नहीं मिल सकता है, कोई भी डेटा का इधर से उधर आदान प्रदान हुआ है तो किसी भी सिस्टम से अगर वो कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन के फेलर होने पर कोई भी डेटा का बैकअप हमें नहीं होगा, ये पीयर टू पीयर मॉडल होता है। और ऐसा कम्युनिकेशन सिर्फ हम कहाँ कर सकते हैं, बस छोटी रेंज में कर सकते हैं। बड़े रेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में क्या होता है कि ये डेडिकेटेड कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होगा कि एक आपका सर्वर होगा और इससे जितने लोग कनेक्ट होंगे वो आपके क्या होंगे, वो क्लाइंट होंगे, जितने भी सिस्टम आपके कनेक्ट होंगे वो क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। जैसे आपके कंप्यूटर लैब का सिस्टम होता है वो एक सर्वर से कनेक्ट है, और आपका कंप्यूटर लैब का जो हेड बैठा है उनका भी एक किसी से सर्वर कनेक्ट है, तो ऐसे आपका क्या होता है कि कंप्यूटर लैब का सर्वर आपका, पूरे क्लाइंट आपके कंप्यूटर जो होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, एक सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। तो अगर किसी का डेटा लॉस होता है तो वो डेटा हम बैकअप कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्लाइंट टू सर्वर मॉडल से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन करते हैं। तो मतलब सेंटर में एक क्या होता है, कम्युनिकेशन के बीच में सेंटर में हमारा एक सर्वर होता है। अब ये सर्वर यहां से जैसे कम्युनिकेट करना है, इस ए वाले को बी से कम्युनिकेट करना है, तो किसके माध्यम से होगा, ये आपका इसके माध्यम से होगा कि ये सर्वर पे जाएगा और सर्वर से फिर आपका बी के लिए इंफॉर्मेशन आएगा। तो माध्यम आपका कौन बनेगा, सेंट्रलाइज माध्यम आपका सर्वर बनता है, ठीक है। किसी को जैसे मैं अपने नेट पर इंटरनेट का जब यूज करते हैं तो हम लोग कहाँ कहाँ से बात कर लेते हैं, कोई विदेश में है वहां से बात कर लें, तो विदेश का इंसान उससे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, एक सर्वर क्लाइंट टू सर्वर मॉडल है, क्योंकि हम यहाँ से सर्वर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और सर्वर उसको उस देश के आदमी, जो भी होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में बैठा आपका दोस्त है, कहीं भी बैठा है, तो वहां तक वो जा रहा है, फिर उसका मैसेज आप तक आ रहा है, इंडिया के सर्वर पर आ रहा है। तो ये बेसिकली जितना भी हम लोग नेट पे काम करते हैं वो क्या होता है, आपका क्लाइंट टू सर्वर मॉडल आपका कम्युनिकेशन होता है। तो यहां पर
ये इसका एडवांटेज है कि कोई भी चीजें हम बैकअप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा को बैकअप में ले आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा वाइड रेंज में यूज होता है। हाँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट द और डिमांड करता है, जैसा क्लाइंट आपका सर्वर से डिमांड करेगा, जो भी चीजें करेगा सर्वर आपको वैसे ही प्रोवाइड करेगा। ये कहाँ मुझे बी से कम्युनिकेट करना है, तो सर्वर ने बी से कम्युनिकेशन करा दिया, मुझे ये सी से ये डाटा चाहिए, वो सी से ये डाटा आपको उठा के फेच करके देगा। तो ये क्लाइंट टू सर्वर मॉडल आपका होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और बात कर लें तो और क्या हमें पढ़ना है, टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ना है। टाइप ऑफ नेटवर्क, ये कितने टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं, कितने बेसिकली कितने होते हैं, बाकी तो बहुत से होते हैं, मेनली बेसिकली आपके टाइप ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, तो एक होता है लेन, सब आपने पढ़ा है, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये क्या, उसके बाद से कौन सा होता है, MAN, मैन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है बताते जाना, तुम लोग बोल रहे थे ना सर क्वेश्चन पूछे, ठीक। उसके बाद से आपका क्या होता है, पैन होता है, पैन कार्ड वाला, ठीक है। उसके बाद से आपका क्या होता है, WAN होता है। ये बेसिकली आपके इतने टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी इसका फुल फॉर्म जरूर, क्योंकि एग्जामों में, छोटे एग्जामों में ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये पूछा हुआ है एग्जामों में, इसके फुल फॉर्म पूछा हुआ है। मैन का क्या होगा, मेट्रो पॉलिटियन एरिया नेटवर्क, मतलब एक तरह से इसको सिटी नेटवर्क बोल सकते हो। और पेन क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट उसके बाद से क्या है आपका, ये होगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपके फुल फॉर्म होंगे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। सभी ने बता दिया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो लैन, मैन, पेन और वेन वेन बेसिकली ये होता है, बाकी बहुत होते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, SAN होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन मेनली आपका यही है बेस, ठीक है। बाकी आपके बहुत से होते हैं, उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लैन क्या हो गया, लोकल एरिया, जैसा नाम, लोकल मतलब लोकल एरिया में, जैसा आपका ऑफिस में, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन आपको कहाँ कराना है, किसके बेस पर कराना है, मान लो आपको ऑफिस में कराना है, किसी एक सिंपल ऑफिस में कराना है, किसी एक सिंपल बिल्डिंग में कोई कम्युनिकेशन होना है, ठीक है, तो वो किस में आते हैं, लैन में आते हैं। सिस्टम का, कंप्यूटर से, प्रिंटर से जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इस नेटवर्क का रेंज बता रहे हैं, बता रहे हैं शुभम जी, टेंशन ना लो, एकदम एकदम बिंदास रहो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल एरिया, ऑफिस में, बिल्डिंग में, एक जगह पर, एक ही बिल्डिंग में, अगर कोई भी चाहे ऊपर नीचे, मान लो 3-4 फ्लोर की ऑफिस है, तो नीचे वाले जितने लोग काम कर रहे हैं उनके सिस्टम को कनेक्ट करना, ऊपर वालों को सिस्टम से, फिर बॉस के केबिन में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपका नेटवर्क यूज होता है उनके आपस में सभी सिस्टमों के कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या होता है, वो लैन होता है, किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक ऑफिस में। ऑफिस में क्या होता है, जितने आपके ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका सभी का सिस्टम क्या होता है, एक सर्वर सिस्टम से कनेक्ट होता है, जो बॉस सिस्टम होता है, ताकि सभी पर नजर कौन रखता है, आपके जो ऑफिस का मेन हेड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये लैन इसके लिए काम होता है, लैन केबल भी सुनते होंगे जिसका यूज करते हो डाटा ट्रांसफर के लिए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है, इसका रेंज होता है। मेन का क्या हो गया, मेन का ये हो गया, ये आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी बोला जाता है ना, तो ये सिटी पे आ गया, इसका रेंज अब बढ़ जाएगा, ये सिटी के तौर पे हो गया। जैसे मान लो PNB का ऑफिस एक यहां पर अलीगंज में है, तो यहां पे जितने, मान लो अलीगंज में जितने भी PNB बैंक है, ठीक है, अलीगंज में हो गया, फिर आपका हजरतगंज में हो गया, हजरतगंज में ये PNB का ऑफिस एक बैंक हो गया, ऐसे ही आपका आलमबाग में हो गया, ठीक है, आलमबाग में ये PNB हो गया। तो ये जो है PNB वाले आपके ऑफिस, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी आपके बिजनेस पर्पस के ऑफिस एक ही सिटी में कई जगह हो, जैसे हमारी कोचिंग है कई जगह हो, ठीक है, तो उनके बीच में, उनके सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, मेट्रोपॉलिटियन एरिया नेटवर्क यूज करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं किसके थ्रू होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है। जैसे मान लो ये PNB के ऑफिस के जितने भी अलीगंज में जो ऑफिस है उनके जितने सिस्टम है किससे कनेक्ट है, वो अपने लैन से कनेक्ट है,
यहाँ जितने एक बिल्डिंग में होंगे वो सिस्टम की अपने आप में किससे कनेक्ट होंगे, लैन से होंगे, ये भी लैन से कनेक्ट होंगे। अब इन सबको किससे कनेक्ट किया जाएगा, इन सबको MAN नेटवर्क से किया जाएगा। तो इसका जो रेंज होता है एक सिटी बोल सकते हो वहां तक होता है, ठीक है, एक पूरी पूरी सिटी को कवर करने के लिए होता है। अब हम आते हैं किस पे, पेन पे, पेन को अभी छोड़ते हैं, पहले WAN पे आते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN में क्या होता है, इसका रेंज अब बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये क्या अर्थ करता है, मान लो ये आपका क्या है, लखनऊ सिटी है, ये लखनऊ सिटी के जितने भी PNB के आपके ब्रांचेस हैं वो आपके कनेक्ट होंगे लैन और मैन के थ्रू, उन सब को लखनऊ ब्रांच हो गया। ये आपका किसी और स्टेट में चले जाओ, मान लो किसी और शहर में चले जाओ, शहर टू शहर वेरी आपका मैन से भी हो सकता है। अब हम वाइड एरिया बोल रहे हैं, सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है, स्टेट, इसमें स्टेट लेवल तक या कंट्री लेवल तक का ये नेटवर्क होता है, ठीक है। जब हम कम्युनिकेशन किसी स्टेट टू स्टेट करते, मान लो ये यूपी में है, अब हम कहाँ चले जाएं, अब हम महाराष्ट्र में चले जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ गुजरात में चले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो भी आपके PNB के हैं सभी ब्रांचेस, इनमें अगर सभी को, क्योंकि सभी के सभी ब्रांच, जितना आपका PNB है इसका हेडक्वार्टर जहाँ है, ये सब मिला के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये हेडक्वार्टर से सभी बैंक के आपके कनेक्ट हैं, इतना ध्यान रखो, तभी आपके किसी भी अकाउंट होल्डर का कहीं भी चले जाओ कहीं से भी पैसा जमा कर सकते हो। तो ये क्या है, ये एक तरह से सभी नेटवर्क से कनेक्टेड है, आप चाहे कहीं भी हो। तो ये चीजें क्या हो गई, ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, क्योंकि इसका रेंज क्या हो गया, स्टेट और कंट्री चला जाता है, ठीक है। विदेशों से आपके अकाउंट में पैसा चला आता है, वो किसके माध्यम से चला आता है, ये सब इसी नेटवर्क के माध्यम से चला आता है। हाँ, लैन का माध्यम वाईफाई हो सकता है, उससे कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्ट होता है वो भी एक लैन है, ठीक है। वहां पर तो प्रिंटर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो भी आपका लैन है, ठीक है, तो वो लैन का हो सकता है। अब PAN के बारे में आते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका कोई एग्जाम्पल मुझे बता दो, इसका एग्जाम्पल कोई बता दो क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करते हो लेकिन समझते नहीं हो कि वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। हाँ, घर में वाईफाई के थ्रू आप अगर लैन ले रहे हो तो लैन आपका दो हो जाएगा, वो तो एग्जाम्पल होगा ही लैन का। मुझे पेन का एग्जाम्पल बताओ, पर्सनल एरिया नेटवर्क का कोई एग्जाम्पल बताओ, देखते हैं किसके पास है। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, ब्लूटूथ, ठीक है, जितना आप लोग ये यूज करते हो ब्लूटूथ, 10 मीटर के रेंज में ब्लूटूथ आपका हो गया, ठीक है। आप जो वाईफाई के थ्रू अपने सिस्टम से सिस्टम कनेक्ट कर लेते हो, हॉटस्पॉट के थ्रू यूज करते हो, ठीक है, हॉटस्पॉट आप लोग जो है कनेक्ट करते हो अपने सिस्टम को, अपने मोबाइल को, मतलब अपना जो भी इक्विपमेंट है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क आप यूज करते हो उसी को क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मतलब आपका मोबाइल आपके सिस्टम से कम्युनिकेशन हो, जैसे कभी कभी आप लोग मोबाइल से सिस्टम पर गाना बजाते हो, ठीक है, स्पीकर पर गाना बजाते हो, ब्लूटूथ के माध्यम से बजाते हो, तो वो चीज़ें क्या किस में आती हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आती है। इसकी रेंज और कम होती है, ऑन अप्रोक्स 10 मीटर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। ATM जो आपका यूज होता है वो किस में आएगा, जो ATM होते हैं उनका भी सर्वर होता है, उनका भी सिस्टम होता है, सब नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तो वो किस में आएंगे, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन की बात हो रही है, एक सिटी की बात हो रही है, तो वो सब सिटी का जितने भी ATM होंगे वो आपके किस नेटवर्क के आएंगे, मेट्रोपॉलिटन मेन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और कई सिटी का कई उसका मिला लिया जाए तो राज्य के बारे में बात किया जाएगा तो वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया नेटवर्क के बारे में। अच्छा, मैंने कुछ बोला था SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म लिख लो, क्योंकि हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले, इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क में जैसे क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जब सर्वर क्लाइंट मॉडल हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये आपके सर्वर होते हैं, कई सर्वर हैं, कई जगह के अलग अलग सर्वर हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस सर्वर में डेटा है और डेटा इसका, इसके अंदर क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है, और ये एक समय आने के बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, धीरे धीरे फुल होने लगती है। तो वो डिफरेंट सर्वर जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उस पर
सभी में क्या होता है, स्टोरेज का जो है मामला होता है। तो मान लो किसी में कम स्टोरेज है, किसी में ज़्यादा है, फुल हो गया तो क्या होगा, बार बार उसे रिप्लेस करना पड़ेगा हार्ड डिस्क लगा के। तो उसके लिए एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क डिज़ाइन किया गया। उसमें क्या किया गया कि आपके जितने भी हार्ड डिस्क होते हैं, क्या होता है इसमें बेसिकली, सभी हार्ड डिस्क को, जो आपके हार्ड डिस्क होते हैं स्टोरेज, उन सभी को एक दूसरे के साथ, कई हार्ड डिस्क होते हैं, बहुत सारे हार्ड डिस्क होते हैं इसमें, क्योंकि स्टोरेज इसका नाम ही है, सभी को, क्योंकि इसमें सर्वर से तब स्टोरेज आपका निकाल दिया गया, जो ये फुल हो जाए, किसी में कम हो जाए, ये वाला समस्या खत्म करने के लिए स्टोरेज इनमें से निकाल दिया गया और सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया गया, एक अभी इसके बारे में बताऊंगा स्विच क्या होता है, ये भी आपके नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं। इस स्विच के थ्रू इनको जोड़ दिया गया और इसी स्विच से आपके ये सर्वर क्या हो गए, सब कनेक्ट हो गए। तो इसी को क्या बोला गया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोला गया। बेसिकली इसमें क्या है कि जब भी किसी को स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या, मान लो इस सर्वर पे पड़ा, सर्वर ए है, सर्वर बी है, सर्वर सी है, तो ये इसके थ्रू जाएगा, इस स्विच से कोई भी हार्ड डिस्क आपका यूज कर सकता है। तो ये एक तरह से स्टोरेज की क्या हो जाती है, यहाँ पर लाइन लग जाती है, स्टोरेज का एक पूरा सा भंडार बन जाता है। तो इसी को स्टोरेज एरिया नेटवर्क करते हैं। जैसे आप लोग आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग देखते हो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जब भी आपके डेटा अगर फुल हो जाए तो आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। तो क्लाउड में स्टोर करने का मतलब ये यही है और कुछ नहीं है, SAN है, वहां पे एक पूरा तैयार किया गया है आपका डाटा का भंडार, ठीक है, जहां आप अपने सर्वर पे, मतलब जिसका भी यूज कर रहे हो। क्लाउड स्टोरेज सभी का अलग अलग होता है। जैसे आप कोई भी आप MI का फोन चला रहे हो तो MI का क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है, एप्पल का चला रहे हो तो एप्पल का है। तो उनके स्टोरेज में, उनके नेटवर्क के स्टोरेज में आप क्या कर रहे हो, अपना डाटा क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो, डाटा स्टोर कर रहे हो, इसीलिए वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर आप फोन चला रहे हो, सभी चीज के, हर चीज ओपन करने से पहले आपसे क्या मांगता है कि अलाउ करिए, कोई भी ऐप इंस्टॉल करिए तो आपके कंटेंट कॉन्टेक्ट को हम पढ़ सकें, उसके लिए अलाउ करिए, नहीं अलाउ करेंगे वो ऐप आपका रन नहीं करेगा। तो फोन मतलब आपका जितना भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कुछ भी छुपा नहीं है आज के इस नेट की दुनिया में, ठीक है, जो भी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके कहां पर हैं, जो भी आप फोन चला रहे हैं उसके बायर के पास, उसके पास जो सेलर है उसके पास पूरे आपके इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं, ठीक है। अभी देखे होंगे कैसे कैसे जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे कैसे पकड़ा गया, ठीक है, जो बोला जाता है कि आपका व्हाट्सएप इतना सिक्योर है, कुछ सिक्योर नहीं है, आपकी इंडिया की साइबर टीम हर वक्त हर एक पर नजर रखती है, कोई भी चीजें जो भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, इंडिया के साइबर सेल से बच कर नहीं जा सकते हो, इतना ध्यान रखना। तो कभी भी उल्टा सीधा काम तो पक्का मत करना, नहीं तो जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन ऐसे ही हाईलाइट करोगे, न्यूज में सिर्फ तुम्हारी ही न्यूज चलती रहेगी। हाँ कुंद्रा बाबा याद आ गया ना, चलो आ जाओ। तो ये हो गया स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और CAN क्या है, CAN का फुल फॉर्म है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क यहाँ यूज होता है जहां पर आपका, मान लो जैसे ये मैं बात करता हूँ कॉलेज वॉलेज की, कॉलेज वॉलेज में क्या होता है, ये कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। जैसे क्या होता है कि कैंपस में आपके, आप लोग कॉलेज में पढ़े होंगे तो आपकी मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी है, मतलब जो आपका डिपार्टमेंट है इधर है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इधर है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट इधर है, तो उन सभी के टीचर के स्टाफ के कंप्यूटर जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और वो सब कंप्यूटर का डाटा किससे कनेक्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो वो एक तरह से बोला जाए प्राइवेट नेटवर्क, एक सिर्फ कैंपस में काम होता है, वहां के एम्प्लॉय उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो फुल फॉर्म याद हो गया, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलो अगला है, दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, पेज हैंग कर रहा है, ठीक है। हाँ अब आते हैं इस पे, हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ नेटवर्क, अब हम लोग पढ़ेंगे किस पे, क्या बात करेंगे हम, अब पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, कौन से कंपोनेंट्स आपसे यूज किए जाते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स, ठीक है, आ जाओ। नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में यहां से भी छोटा छोटा आपसे क्वेश्चन पूछता है।
तो सबसे पहले हम लोग किस पे बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हब। ठीक है, कोई बताएगा हब क्या होता है? नेटवर्क कंपोनेंट्स है हब। उसके बाद से हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, हब के बाद हम लोग आएंगे रिपीटर पे। रिपीटर के बारे में मैंने आपको बताया था। रिपीटर पर तीसरे पर हम बात करेंगे किस पर, स्विच पे बात कर लेंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट्स लिख लो। स्विच के बाद ब्रिज पे बात करेंगे, ठीक है, पुल पे। और पांचवा आपका हो जाएगा, हब हो गया, रिपीटर हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, जो आप लोग वाईफाई वाला राउटर यूज करते हो, ये हो गया। ठीक है, और कोई बच रहा है क्या? और लास्ट में एक लिख लो, और NIC। ठीक है, कोई मुझे बताए हब क्या होता है? कोई बताएगा भाई साहब? हब बताओ, हब। रिपीटर, ठीक है, REPEATER होगा। बताओ हब क्या होता है? हब, HUB, हब, हब क्या होता है? इन सभी का क्या काम होता है? इन सभी का जो केबल होते हैं एक दूसरे को, सिस्टम को कनेक्ट कराने के लिए कोई स्विच टाइप का केबल चाहिए ना, कुछ जैसे कनेक्शन कराना होता है, जैसे एक USB एक्सटेंशन लाते हो, बड़ा सा USB चाहिए, तो पहले USB एक्सटेंशन मिलाओगे, फिर से उसको उसमें क्या करोगे, कनेक्ट करते हो। तो ऐसे ही कनेक्शन के लिए ये कंपोनेंट यूज होते हैं नेटवर्क में। तो ये कनेक्शन के लिए कंपोनेंट यूज होते हैं। तो बताओ भाई कहाँ चले गए? हब क्या होता है? हब का मतलब क्या होता है? जहां सब लोग इकट्ठा हो, ऐसा होता है ना, मीनिंग क्या हब कहने का, मतलब जहां सब लोग इकट्ठा हो। तो ऐसा ही कुछ होता है हब, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, स्ट्रक्चर कुछ देख लो। हब क्या होता है ये, इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं कनेक्शन के, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। मान लो यहां से एक सिस्टम जुड़ गया आपका ए है, यहां सिस्टम आपका जुड़ गया बी, सिस्टम यहां पे जुड़ा है, ये आपका सी सिस्टम जुड़ा है यहां से, ठीक है, और यहां से आपका जो सिस्टम जुड़ा है वो कौन जुड़ा है, डी सिस्टम जुड़ा है। तो ये आपके यही हब है, इसी हब से कई सिस्टम आपके जुड़े हुए हैं, इसी को क्या कहते हैं, हब कहते हैं नेटवर्क। हाँ, ये मल्टीपोर्ट, इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि जो हब है आपका ये क्या होता है, लिखते जाना, मल्टीपोर्ट, मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। क्या होता है? मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। ठीक है, मल्टीपोर्ट रिपीटर ये क्या करता है, कई सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कराना होता है तो हम लोग ये डिवाइस यूज करते हैं। जहां आपके ढेर सारे सिस्टम हो जाएंगे और किसी एक से कनेक्ट कराना होगा उसे, तो हम लोग कहां या क्या यूज करेंगे, ये हब यूज करेंगे। अब इसमें है क्या, क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, ये क्या करता है, चीजों को फॉरवर्ड करता है, फॉरवर्डिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉरवर्डिंग मतलब कि मान लो मैंने ए जो है सी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो ए अपना मैसेज भेजेगा, इस पोर्ट के थ्रू हब में जाएगा वो, और हब क्या करेगा, सी को क्या करेगा, वो मैसेज ट्रांसफर कर देगा। लेकिन इस फॉरवर्डिंग में, हब में क्या होता है, एक सिर्फ हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये जब इसके पास ए कह रहा है मुझे सी से कम्युनिकेट करना है, वो मैसेज भेजता है, तो एक्चुअली जब मैसेज पैकेट आपका जाता है तो वो क्या करता है, हब सभी को डिस्ट्रीब्यूट, ब्रॉडकास्ट कर देता है, जितने भी उससे कनेक्शन में होंगे, तो वो मैसेज आपका सभी के पास चला जाएगा, वो पैकेट सभी के पास जाएगा। लेकिन जिसको यूजफुल होगा, जिसके लिए बेसिकली वो भेजा गया है, हाँ, फिजिकल लेयर, ये भी आप सही ध्यान रखिए कि ये किस पे काम करता है, ये फिजिकल। अभी मैं लेयर किसी लिए नहीं बात किया कि ये अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं, OSI और TCP/IP मॉडल जब पढ़ाऊंगा तब वहां मैं लेयर की बात करूंगा, क्योंकि इस कनेक्शन को सेटअप करने के लिए कुछ लोगों ने एक मॉडल दिया, जिसमें से दो मॉडल हम लोग ज़्यादा फेवर करते हैं। एक आपका OSI मॉडल है, जो एक थियोरेटिकल मॉडल बोला जाता है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। दूसरा मॉडल जो हम लोग पढ़ते हैं वो आपका फोर या फाइव, दो आते हैं कई कई किताबों में, स्टैंडर्ड किताबें आप देखोगे बीटेक के, तो उसमें चार मॉडल या पाँच मॉडल भी आते हैं। तो पाँच मॉडल वाले के बारे में हम पढ़ेंगे, TCP/IP मॉडल। ठीक है, TCP/IP मॉडल क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, जिसको एस्प्रानेट ने, ठीक है, सॉरी एस्प्रा नहीं, अर्पानेट ने,
ठीक है, जो यूएसए के मिलिट्री उससे क्या करके संपर्क करके अर्पानेट ने वो टीसीपी आईपी मॉडल क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, इसमें मेमोरी नहीं होता है, वो सब मैं बता रहा हूं। ये एक क्या होता है, आपका सिंपल डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसीलिए समझ नहीं पाता। जब भी इसको मान लो ए को सी से कम्युनिकेट करना है तो इसने मैसेज भेजा, ये सभी को ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो फॉरवर्डिंग तो इसके अंदर होती है, फॉरवर्डिंग कर लेता है। फिल्टरिंग होती है क्या इसके अंदर? नहीं, किसी भी मैसेज को ये फिल्टर नहीं कर पाता है। ठीक है, नो फिल्टरिंग, कोई भी मैसेज ये फिल्टर नहीं, मतलब जैसे इसने मैसेज भेजा तो इसको क्या करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए कि इसके पास ना जाए, सिर्फ सी के पास जाए, तो ये फिल्टरिंग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसके अंदर मेमोरी नहीं है, इसके अंदर सोचने के समझने के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं किया गया है। आगे चल के आपको मिलेगा जो स्विचेस हैं, जो ब्रिज हैं, जो रूटर है, राउटर है आपका, ये क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें सोचने की भी क्षमता होती है, मतलब एक तरह से कह सकते हो ये फिल्टरिंग वाला काम भी ये करता है। मैं आगे बताऊंगा, OSI में 7 मॉडल होते हैं, बाकी TCP/IP में 5 और 4 दोनों मॉडल अलग अलग किताबों में आपको मिलेंगे। नो फिल्टरिंग होता है इसमें, कोई फिल्टर नहीं होगा, जो भी आपका मैसेज होगा सभी के पास जाएगा, इतने ध्यान रखना। उसके बाद से आपका क्या होगा इसमें, कोलिजन, ठीक है, कोलिजन होता है, कोलिजन मतलब टकराव। ठीक है, ट्रैफिक हाई होगा इसमें, क्या होगा, ट्रैफिक जो होगा बहुत ही हाई होगा, इसमें ट्रैफिक जो होगा वो हाई होता है, क्योंकि इसमें स्टोरेज है नहीं तो ट्रैफिक हाई होगा। मान लो एक ही साथ सभी ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया, ये इसको मैसेज भेज रहा है, ये मैसेज भेज रहा है, ये मैं, तो क्या हो जाएगा उस समय, आपका कोलिजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके चीजें हैं कि भैया ये मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, फॉरवर्ड के लिए होता है, नो फिल्टरिंग, फिल्टरिंग नहीं कर पाता है, कोलिजन इसमें संभव है। वो कितने कोलिजन होंगे, जितने आपके क्या होंगे, डिवाइस कनेक्ट होंगे, जितने पोर्ट होंगे एंड कोलिजन आपके चांसेस हैं होंगे। डाटा शेयरिंग क्या हब का एग्जाम्पल, ये हब का एग्जाम्पल नहीं सोचना, हब एक डिवाइस है भाई, जैसे मोबाइल होता है, रिमोट होता है, वैसे एक डिवाइस होता है, उसको आपको कहीं भी कनेक्ट करना हो, मान लो ढेर सारे हैं आपके पास सिस्टम, उन सिस्टम को कनेक्ट कर लो, उसके थ्रू मेन आपको जिसके जिससे कनेक्ट करना है उससे कर लो। जैसे क्या होता है कि प्रिंटर होता है, दुकानों पे जाते हो देखते हो, बड़ा सा प्रिंटर होगा और आपके उस दुकान में मान लो बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो कहीं से भी प्रिंट आपके उस प्रिंटर पे चला आता है। ठीक है, एक्चुअली तो वो क्या होता है, वो एक किसी इसी ऐसे ही डिवाइसों से क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, आपके सभी कंप्यूटर उस डिवाइस से कनेक्ट होगा और आपका प्रिंटर भी उसी डिवाइस से कनेक्ट होता है, तो जब आप प्रिंट का कमांड भेजोगे तो डायरेक्ट प्रिंटर के पास चला जाता है। तो डाटा शेयरिंग के लिए तो होता ही है, और किसके लिए हो रहा है, यहाँ का काम हो ही रहा है, नेटवर्क का काम ही क्या है, नेटवर्क का काम है डाटा को शेयर करना। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जब हम डाटा एक दूसरे से दूसरे जगह पर शेयर करते हैं उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हब का काम होता है, इतना ध्यान रखना। मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, फिजिकल लेयर में काम करता है, OSI मॉडल के फिजिकल लेयर में, चाहे TCP/IP मॉडल के फिजिकल लेयर पर ये वर्क करने वाला है। ठीक है, इसीलिए डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर में नहीं काम करता, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होता है। आगे मैं बताऊंगा कि जो डिवाइसेस हैं उसमें सॉफ्टवेयर का भी रोल आया, तो ये सिंपल आपका डिवाइस है। वैसे रिपीटर की बात आई थी इसी में, तो रिपीटर को भी जान लो, रिपीटर बता दो भाई कोई क्या होगा, रिपीटर आप लोग पढ़े होंगे, रिपीटर बताओ। हाँ, हब से मेनी कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं, वही बात है, मेनी डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर के बारे में बताओ, रिपीटर क्या होगा कोई बताएगा, साधारण जान लो ये कुछ नहीं, टू पोर्ट डिवाइस होता है, क्या होता है, टू पोर्ट डिवाइस होता है। ठीक है, दो पोर्ट डिवाइस होता है बस, और कुछ नहीं होता है। जैसे यहां पर रिपीटर लगा दिया, ये मान लो रिपीटर लग गया, ये हो गया, ये कहाँ यूज होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी जब टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं बताऊंगा इसको। ये दो पोर्ट होता है, एक पोर्ट आपका यहाँ हो गया P1, इधर हो गया आपका P2, ये टू पोर्ट डिवाइस होता है, और जो हब होता है वो मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टू कन्वर्ट करके हाई लेवल में ट्रांसफर करता है। नहीं नहीं अनूप जी, आप एम्पलीफायर कर रहे हो, देखो दो चीजें हो गई। ठीक है, रिपीटर का काम कुछ ऐसा होता है,
लेकिन रिपीटर एम्पलीफायर में अलग हो जाएगा। तो एम्पलीफायर क्या होगा ये बताइए मुझे। आपने कहा कि उसे हाई करके क्या करता है, भेजता है, तो एम्पलीफायर और रिपीटर तो एक हो गए। क्यों? आपके डेफिनेशन के हिसाब से अनूप जी, रिपीटर एंड एम्पलीफायर आर बोथ आर सेम। क्यों ऐसा है क्या, जल्दी से बताइए। ऐसा है मेनली, ये लिखो टू पोर्ट डिवाइस होता है, और ये दो पोर्ट डिवाइस क्या करता है ये ध्यान रखो अनूप जी, बताइए क्या ये रिपीटर और एम्पलीफायर आपके सेम हैं? देखो रिपीटर एक्चुअली होता क्या है ये जानो। मान लो आप लोग लैन केबल लेने जाते हो, इथरनेट केबल होता है जो डाटा ट्रांसफर के लिए। मान लो वो केबल 200 मीटर की है, उस केबल पे हम सिर्फ 200 मीटर तक क्या कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब 200 मीटर के बाद मान लो मुझे 400 मीटर तक डाटा को ट्रांसफर करना है और 200 ये है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बीच में एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, इस बीच में क्या लगाना पड़ेगा, रिपीटर। एक आपका यहां कनेक्ट हो जाएगा इस पोर्ट पे, दूसरा आपके इस पे। तो ये 400 मीटर पे अगर आपका एक कोई सिस्टम बैठा है, यहाँ पर मान लीजिए एक सिस्टम बी है और यहाँ से डाटा आपको सिस्टम ए से सिस्टम बी पर भेजना है, तो सिस्टम ए से सिस्टम बी पर डाटा को भेजना है, तो 200 मीटर के केबल से वो नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या किया, रिपीटर लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि सिग्नल यहाँ 200 मीटर तक ही जाएगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ जो बोल सकते हो वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। मान लो सिग्नल यहां से चला और ये सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी, यहीं तक रहेगी, उसके आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि 200 मीटर का हमने केबल यूज किया है। तो एम्पलीफायर सेम होगा, अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, अगर हम यहां वर्ड यूज करें एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर वर्ड यूज करना गलत हो जाएगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, मान लो सिग्नल जो है वो एक्स सिग्नल है, एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको इसके एप्टीट्यूड को एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, तो वो उसको 2x कर देगा। नहीं, उसके एम्पलीट्यूड को नहीं बढ़ाना है, वो बढ़ जाएगा तो वो सिग्नल ओरिजिनल थोड़ी हुआ। रिपीटर का काम क्या होता है, उस सिग्नल को फिर से रीजेनरेट करता है, क्या करता है, रीजेनरेट करता है, फिर से वही सिग्नल उत्पन्न करता है, ठीक है। जो सिग्नल एक्स आ रहा था, जो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही थी कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, तो रिपीटर फिर से क्या करेगा, एक्स सिग्नल को ही जनरेट करेगा, मतलब जिसे कह सकते हो रीजनरेट करता है। तो ये कहां फिर से वाली सिग्नल आपकी बी तक पहुंच जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है रिपीटर और एम्पलीफायर में, ठीक है। उसके उस स्ट्रेंथ को वो बढ़ाता है, और वो कैसे बढ़ाता है, उसके एम्पलीट्यूड को हाई करके, एम्पलीफाई करके नहीं, वो सेम सिग्नल को जनरेट करके बढ़ाता है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, एम्पलीफायर एंड रिपीटर आर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आगे बढ़े, जल्दी बताइए। रिपीटर का काम क्या होता है, वो सिग्नल जैसे उसका कमजोर होने लगता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसी सिग्नल को फिर से रीजनरेट करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है, इसीलिए इसका नाम रिपीटर है। रिपीटर है ये क्या करता है, मान लो अगर आपको बहुत दूर तक सिग्नल को पहुंचाना, तो हम कई रिपीटर का यूज करके, क्या हुआ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया दुर्गेश बताइए, क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ। रिपीटर एक काम जान लो, रिपीटर सिग्नल को रीजनरेट करता है, जो सिग्नल आपका जो बोला जाए खत्म होने वाला रहता है, क्योंकि अब उसकी क्या होता है, खत्म होने वाला रहता है 200 मीटर के बाद, वो सिग्नल को फिर से उसी सिग्नल में रीजनरेट। मान लो एक्स सिग्नल आ रहा है और यहां तक जाने जाते ये खत्म होने वाला है, तो रिपीटर लगा देंगे तो फिर से एक्स सिग्नल फिर से आपका जनरेट हो जाएगा, और आगे तक और हम बढ़ा सकते हैं उसको। आ गया, बस इतना ध्यान रखो, उसको सिग्नल, वो जो सिग्नल होगा उसी को जनरेट करेगा, उसके एम्पलीट्यूड को, उसके वोल्टेज को उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कहां थे, रिपीटर हो गया, टू पोर्ट है, काम भी इसका वही होता है, मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, हाँ फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। जो भी मान लो यहाँ पे डिवाइसेस यहाँ कनेक्ट होंगी, ये आपका ए बी से कनेक्ट करना चाहता, तो ये फॉरवर्ड करता है, मैसेज क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा।
फिल्टरिंग का ऑप्शन इसमें भी नहीं है, ये ध्यान रखने का, नो फिल्टरिंग, फिल्टरिंग का ऑप्शन इसमें भी नहीं है। उसके बाद से कोलिजन इसमें होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, कोलिजन होगा सिग्नल। अगर ये भी आपका जो भी इसमें, मान लो इस नेटवर्क में ढेर सारे डिवाइसेस हैं, यहां से यहां 200 मीटर में एक सिस्टम यहां है, एक सिस्टम यहां है, एक सिस्टम यहां है, यहां सिस्टम है, मान लो इसने सिग्नल जनरेट किया, इसने भी जनरेट किया, इसने भी है, तो कनेक्शन की लाइन एक ही, ठीक है, ये एक तरह से बस टोपोलॉजी होता है, कनेक्शन लाइन तो एक ही है, तो सभी आके सभी के सिग्नल क्या होंगे, एक ही का पर टकराएंगे, तो कोलिजन होगा, ठीक है। लेकिन फिल्टरिंग का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये भी एक सिर्फ हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें भी मेमोरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बस टू पोर्ट डिवाइस होता है। अब आते हैं हम लोग किसमें, ब्रिज पे आते हैं, हाँ, स्विच पे आए, हब हो गया, रिपीटर हो गया, स्विच पे आते हैं, स्विच पे आते हैं। स्विच क्या होता है, अब आ जाओ, स्विच क्या होता है, स्विच भी आपका बेसिकली, देखो थोड़ा सा मैं और यहां बता दूं, जो ये हब होता है, अगर हब की अगर रिलायबिलिटी की बात किया जाए, तो इसमें अगर मान लो कोई कनेक्शन फेल हो जाता है, ये कनेक्शन फेल हो गया, तो वो हब आपको इंडिकेट करेगा, लेकिन आपका रिपीटर इंडिकेट नहीं करेगा। जो रिपीटर है, सपोज करो मान लो ये रिपीटर है, ठीक है, ये लाइन इधर अगर कुछ फेल हो गया है, तो ये आपको रिपीटर नहीं बता सकता है कि आप अगर ए से बी से कम्युनिकेट करना चाहते हो और इधर की लेन आपका क्या हो गया है, कोई उसमें खराबी आ गई है, तो रिपीटर आपका नहीं बताएगा कि आपका डाटा इधर गया या नहीं गया, ठीक है, ये थोड़ी इसके साथ दिक्कत है, डिसएडवांटेज है। लेकिन हब में थोड़ा ये डिवाइस के अनुसार ये थोड़ा सही है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, आपकी एलईडी लाइटें लगी होती हैं, ये एलईडी लाइटें लगी होती हैं, तो कोई कनेक्शन आपका इसमें बीच में टूटा है, तो वो तुरंत ब्लिंक करने लगेगा एलईडी लाइट, वो डिवाइस को ऐसा बनाया जाता है कि ये कनेक्शन आपका सही नहीं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सिस्टम जो है, जो भी नेटवर्क उससे कनेक्ट है, वो जो भी पोर्ट से, वो आपका क्या है, कोई कोई ना कोई नेटवर्क दिक्कत दे रहा है, कोई लाइन आपकी गड़बड़ है, तो ये हब में थोड़ी खासियत है। अच्छा, एक नहीं है वो अब बोल रहे थे आप, हमें लगा समझ नहीं पाए, तो ये खासियत है, दोनों में अंतर भी है। हब क्या करेगा, कोई भी आपका डिस्कनेक्ट होता है, कोई भी चीजें खराब होती हैं आपके कनेक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं आपको सूचना देता है, लेकिन रिपीटर आपको नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। स्विच में आ जाओ, स्विच का स्ट्रक्चर भी आपका हूबहू एक हब की तरह होता है, ये भी क्या है आपका, हब ही है स्विच, स्विच भी क्या है आपका, हब है यहां पे, बस इसमें एक ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये भी किस पे, रिपीटर किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है, जो एसआई मॉडल है उसके किस पर काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। अगर स्विच की बात करें तो स्विच आपका किस पे काम करता है, ये आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है, और किस पर, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। हाँ, एकदम कर सकते हो, डिवाइसेस हैं, सब कुछ कर सकते हो। स्विच फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो इसका क्या मेन मकसद होता है, सिर्फ तो ये जान लो, ये किसके लिए होता है, हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट टू डिफरेंट लेन, दो डिफरेंट लेन को कनेक्ट कर सकते हैं। दो डिफरेंट लेन का मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हो, दो डिफरेंट लेन का मतलब क्या हुआ, दो डिफरेंट लेन का मतलब यह हुआ, मान लो इस पोर्ट से आपका कोई टोपोलॉजी, आपका बस टोपोलॉजी टाइप का कोई जुड़ा हुआ नेटवर्क, कोई नेटवर्क आपका बस टोपोलॉजी टाइप का जुड़ा हुआ है, और आपका इसी से, इसी मतलब अगले पोर्ट से आपका क्या होता, क्या जुड़ा हुआ है आपका, वो आपका जुड़ा हुआ है, मान लो इधर आपका जो जुड़ा हुआ है वो आपका जुड़ा हुआ है मेस टोपोलॉजी,
ठीक है, कोई भी आपका मेस टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ, कोई नेटवर्क आपका मेस टोपोलॉजी से, तो दो डिफरेंट लैन नेटवर्क को बोल सकते हो कि दो डिफरेंट लैन नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो डिफरेंट लैन नेटवर्क को जोड़ने का काम यह करता है। अब देखो इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट लैन नेटवर्क को, यह मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है, यह भी ध्यान रखना, क्या होता है मल्टीपोर्ट होता है, ठीक है मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है, दो डिफरेंट लैन नेटवर्क को, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है यूज, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है। मान लो इसमें ढेर सारे नेटवर्क कनेक्शन, ये इसको ले आके मान लो यहां पर कोई उससे कनेक्ट है, फिर इसको हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया, यहां आपके मेस टोपोलॉजी में आपके कई सारे सिस्टम कनेक्ट है, मान लो यहां है सिस्टम है, यहां है, यहां है, यहां है, ये आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट है, फिर एक वायर जाके यहां पर स्विच से कनेक्ट हो गया ताकि इनका डाटा इनमें तक क्या हो सके, सब फ्लो हो सके डेटा का। अब इसमें बेसिकली अंतर क्या है कि ये आपका हार्डवेयर के साथ साथ इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, इसमें सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या होता था, फॉरवर्डिंग मैसेज का करेगा मैसेज, इसमें अगर तुम मान लो यहां सिस्टम है कोई भी कनेक्ट हुआ, ये इधर के किसी भी सिस्टम से कनेक्ट होना चाहता है तो वो उसको मैसेज क्या करेगा, भेजेगा। सपोज करो यहां पर एक आपका सिस्टम है यहां पर, ठीक है यहां पर आपका सिस्टम ये है, यहां पर आपका सिस्टम ये है, ये आपका बी से कनेक्ट करना चाहता है तो ये मैसेज आपका भेजेगा और फॉरवर्ड करेगा, और वो किस हिसाब से करेगा, जैसे क्या होता था हब में सबको मैसेज चला जाता था, यहां ऐसा नहीं होगा, यहां होगा क्या, जिसके लिए वो डेडिकेटेड है मैसेज, ये इसने अपना मैसेज भेजा, अपना पैकेट भेजा, तो इसके पैकेट का जो मैसेज होगा उसमें दो चीजें होंगी, पहला आपका होगा सेंडर का मैसेज होगा, ठीक है मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो किसी भी डिवाइस का एड्रेस होता है, किसी भी जो भी आपके डिवाइस नेट होते हैं उनका एक मैक एड्रेस होता है, वो मैक एड्रेस सेंडर का मैक एड्रेस होगा, मान लो ए का मैक एड्रेस है और जिसको भेजना है उसका मैक एड्रेस होगा, बी से अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो रिसीवर का क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। तो जो ये पैकेट भेजेगा तो ये स्विच के पास जाएगा, ठीक है स्विच क्या करेगा भैया, उसके पास मेमोरी है, उसको लेगा, उसको एनालाइज करेगा, और ये किस पर काम करता है, मैक टेबल पर काम करता है, एक मैक टेबल बना होता है, यहां पर मैक एड्रेस होता है और यहां पर पोर्ट होता है, ठीक है यहां पर आपका पोर्ट होता है, तो जैसे आपका वो जान रहा है कि किस पोर्ट पे कौन है, ठीक है किस पोर्ट पे आपका कौन सा लगा हुआ है, ठीक। तो यहां पर जैसे ही आपको आपने पैकेट भेजा M1, दो टाइप के होते हैं स्विच, स्विच का जो मैक वाला एड्रेस वाला पार्ट होता है वो दो मोड में काम करता है, एक स्टैटिक मोड में एक डायनेमिक मोड में। तो स्टैटिक वाले में क्या होता है कि यूजर चाहे जो भी आपका इसमें प्रोग्राम किया जाता है मैक एड्रेस का, वो डिवाइसेस का हर बार चेंज किया जाता है, जितने डिवाइस यहाँ चेंज करोगे उतने आपको मैक एड्रेस यहाँ क्या करना पड़ेगा, अपने इंडिविजुअली आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैक एड्रेस हमने डाला M1, ठीक है वो मैक एड्रेस किस पोर्ट से, मान लो ये बी जो है, ये जो यहाँ पर मैक बी लिखा है ना, इस एड्रेस का डिवाइस किस से कनेक्ट है, तो अच्छा इस पोर्ट से कनेक्ट है तो उसी को ही डेटा जाएगा, ठीक है दूसरे पोर्ट से कनेक्ट है, ये मान लो एक नंबर पोर्ट से कनेक्ट है, ये आपका जो बी है वो जो जिसका मैक बी एड्रेस है, ठीक है ये जो आपका तीन नंबर पोर्ट से कनेक्ट है, तो अगर दो नंबर पोर्ट से डेटा तीन नंबर के लिए जाना है तो उसको पता है कि मैक बी कितने नंबर पोर्ट से कनेक्ट है, तीन नंबर पोर्ट से कनेक्ट है, तो वो डेडिकेटेड आपको जिससे जरूरत होगी उसी को डेटा देगा। बस इतना जानो कि इसमें क्या होता है कि जिसको जो डेटा जरूरत होती है अनवांटेड डेटा आपका क्या करता है ब्रॉडकास्ट नहीं करता है क्यों नहीं करता है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर में सभी डिवाइसेस के इंडिविजुअल मैक एड्रेस होते हैं और वो मैक एड्रेस आपके पोर्ट से क्योंकि डिवाइस आप किससे कनेक्ट होगा स्विच के पोर्ट से और वो पोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये डिवाइस इस पोर्ट से कनेक्ट है तो जब कोई भी आपस में कम्युनिकेशन करेगा तो जान जाएगा इस बंदे ने इस मैक एड्रेस को
क्या भेजा है, संदेश भेजा है, तो वो देखेगा कि इस मैक एड्रेस वाला डिवाइस किस पर कनेक्ट है, तो उस पोर्ट को ले जाके मैसेज डिलीवर कर देगा, भैया आपका संदेशा आया है। ठीक, बस इतना जानो। ये होता है स्विच का काम। स्विच के बाद अब हम आते हैं डाटा लिंक लेयर में, इसीलिए ये काम करता है। ठीक, तो ये फिल्टरिंग का भी काम करता है। यहां आ जाओ, अभी तक फिल्टरिंग नहीं होती थी ना, फॉरवर्डिंग हो गया, फिल्टरिंग का भी काम करता, मतलब अब डाटा को फिल्टर भी करेगा। ठीक है, डेटा को क्या करेगा, फिल्टर भी करेगा। फिल्टर का मतलब कि कौन सा डेटा जाने लायक है, कौन सा नहीं जाने लायक है। ये जैसे मैंने बताया ना, फिल्टर किया, इसने डेटा को रोक दिया, इसको पता है कि इसके आगे डेटा नहीं जाना है, सिर्फ बी तक जाना है, तो सिर्फ बी को ही डेटा देगा, सी डी को नहीं देगा। उसमें क्या होता था, सबको चला जाता था, फिल्टरिंग नहीं होता था, इससे पहले जो हब पड़े थे। तो ये फिल्टरिंग का भी काम हो गया। कोलिजन क्या होगा इसमें, ये बताओ, डेटा का कोलिजन होगा। मान लो इसने भी मैसेज भेजा, इसने भी भेजा, इसने भी, नहीं, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है। तो डेटा पहले आप भेजते हो तो स्विच के स्टोरेज में जाता है, वो डेटा को एनालाइज करता है, फिर देखता है कौन से मैक एड्रेस पे है, कहाँ इसको भेजना है, फिर वो उसको भेजता है। तो यहां पर कोलिजन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर डेटा का कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन नहीं होगा तो ट्रैफिक भी आपका क्या होगा, इस पर कम रहता है। ठीक है, कोलिजन नहीं होगा तो ट्रैफिक भी आपका कम रहता है। अब हम लोग आते हैं ब्रिज पर। ठीक है, स्विच हो गया आपका, ऐसे ही ब्रिज होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। ब्रिज आपका थोड़ा रिपीटर की तरह होता है। ब्रिज कैसा होगा, रिपीटर की तरह होगा, इधर डिवाइसेस आपके कनेक्ट होंगे। टाइम बताते जाना, मुझे लग रहा है आज मैं पूरा टोपोलॉजी नहीं खत्म हो पाएगा। यहां पर मान लो एक आपका ए कनेक्ट है, यहां आपका बी कनेक्ट है, यहां आपका सी कनेक्ट है, यहां आपका डी कनेक्ट है। ये मैं ब्रिज पढ़ा रहा हूं। जो आपका स्विच होता है एज ए हब होता है, ब्रिज आपका एज ए कैसा होता है, रिपीटर होता है। ठीक है, बस इसमें क्या चेंजेस होता है कि आपका ये फिजिकल लेयर में काम करता है और डाटा लिंक लेयर में। ये भी किस में करता है, फिजिकल लेयर में करता है और डाटा लिंक लेयर में। ओएसआई के दो लेयर में ये काम करता है, फिजिकल और डाटा लिंक में। इसका काम भी वही सेम होता है। इसका ध्यान रखना, बस जो चीजें उसमें नहीं थी, जैसे क्या होता था कि मान लो इसने डेटा भेजा, ठीक है, डेटा भेजा, मान लो इसको सी को डेटा भेजना है, तो ये डेडिकेटेड सी को ही भेजेगा, ये पूरे में डेटा को फ्लो नहीं करेगा। यहां से डेटा जाएगा किसके पास जाएगा, ब्रिज के पास जाएगा, यहां ब्रिज कर लो इसे, ठीक है, ब्रिज के पास जाएगा। ब्रिज के अंदर क्या होगा, मैक एड्रेस होगा, हर एक डिवाइस का जो उससे कनेक्टेड है उसका एड्रेस इसके अंदर टेबल में मैक टेबल होता है। ऐसे ही रूटर में आपका रूटिंग टेबल होता है, जो राउटर होता है उसमें राउटिंग टेबल होता है, राउटिंग टेबल जिसे बोलते हैं वो होता है। इसी तरह इस ब्रिज में क्या होगा, मैक टेबल होता है, मैक एड्रेस होता है। वो मैक एड्रेस से जान जाएगा, अच्छा ए जो है सी से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो इनके बीच में क्या करेगा, कम्युनिकेशन जो है स्टेबलिश करा देगा। ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेशन करा देगा, भैया आप लोग आदान प्रदान कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बाकी को मैसेज नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी भी है, हर चीज भी है। प्लस दूसरी बात, अगर मान लो ए जो है बी से ही कम्युनिकेट करना चाहता है, तो फॉरवर्डिंग तो इसका होगा ही होगा, मैसेज की फॉरवर्डिंग होगी। ठीक है, मैसेज की फॉरवर्डिंग होगी। अगर इस डेटा को ये भेजा और बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, ए बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, ये यहां पे एनालाइज करेगा ब्रिज कि क्या इसको आगे जाने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। तो वो देखेगा यार, बी तो जो बी है, जो भी सिस्टम से ये कम्युनिकेट करना चाहता, अगर वो ब्रिज के इधर है तो उधर डाटा को भेजेगा ही नहीं, तो उधर आपका लोड बढ़ेगा ही नहीं, तो फिल्टर होके आपका डाटा इधर ही आएगा। तो ये हो गया फिल्टरिंग प्रोसेस, मतलब फिल्टरिंग भी कर रहा है। ठीक है, डेटा को फिल्टर किया कि अगर जरूरत नहीं है तो उधर की क्यों ट्रैफिक बढ़ाए। जैसे रिपीटर क्या होता था, कोई डेटा गया तुरंत सब में फैल जाता था। ठीक, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ब्रिज रोक देगा, ये इसके पास दिमाग है, बुद्धि है, सॉफ्टवेयर है, ये समझ गया कि नहीं सिर्फ बी को ये डेटा चाहिए, तो ये तुरंत यहां से बी से इसको इसके बीच में कम्युनिकेशन क्या करेगा, बना देगा कि भैया आप लोग बात करो। ठीक, तो ये इसीलिए फिल्टरिंग भी काम करेगा। कोलिजन भी आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे मैंने बताया क्योंकि इसके पास मेमोरी है,
पहले आपका पैकेट जो डाटा है आपका पैकेट का वो जाएगा इसमें स्टोर होगा, वो पूरा देखेगा मैक एड्रेस में किसको जाना है डेटा, उसको ये भेजेगा। एक ही साथ सभी डेटा नहीं जाएंगे, वो सब में स्टोर करके रखता है, ठीक है आपका जो भी ये डिवाइसेस हैं। तो ये डिवाइसेस क्या हैं, जो हमारी पुरानी डिवाइसेस हैं उन्हीं का एक एडवांस वर्जन बोल सकते हो है, ठीक है। ऑटोमेटेड चीज़ें हैं, जैसे एक गाड़ी जाओ वैसे कसवा ले आओ, ठीक है, जिसमें कुछ भी ना हो, विंडो लॉक वॉक हो कुछ भी ना हो, एकदम सिंपल ले आओ शोरूम से उठ से उठा के, और एक ले आओ पूरा ऑटोमेटेड हो, चढ़ो तब बोले, आप एंट्री मार लिए हो, यहाँ गए गेट खोले तब बोले, जो भी हो। तो वैसे ही चीज़ें ये है, पूरा ऑटोमेटिक है सब चीज़ें। ब्रिज हो गया, ये हो गया, और आपका एक और कुछ बचा है, राउटर और NIC बचा है। तो राउटर और NIC को हम कल करेंगे, अभी यहीं पे बंद करते हैं। राउटर आपका जो बचा है और NIC बचा है, इसको हम लोग कल करेंगे, और कल ही हम लोग टोपोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद से लग रहा है तीन क्लास जाएगी, तीन क्लास मैंने जैसा आपको बताया था, तीन क्लास में ये नेटवर्क आपका खत्म होगा। यहां तक समझ में आया सभी को, जल्दी से बताइए। धुआं धुआं हो गया, क्या बात है। क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत उड़ा उड़ा के पढ़ाना पड़ रहा है ना तुम लोगों को, जैसे क्या होता है बहुत डीप भी नहीं जा सकते, नहीं तो अभी तुम लोग कहोगे का पढ़ा रहे हैं गुरु जी, का बक रहे हैं। स्विच कौन से लेयर में यूज वर्क करता है, बताया तो था स्विच का, किसमें करता है आपका फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर, दो लेयर में काम करता है OSI मॉडल, ठीक है, जो राउटर है, ठीक है, और जो NIC है आपका, NIC का फुल फॉर्म बता दो फिर चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे कल, वो आपके तीन लेयर में काम करता है, फिजिकल, डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, राउटर और NIC। NIC आपका ASI का एग्जाम अभी बहुत दिन है, आराम से पढ़ो, मौज मस्ती से पढ़ो, नवंबर तक होगा। कोई बताएगा NIC का फुल फॉर्म, नहीं बताओगे तो चलते हैं, कल मिलते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।